जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह द्वारा गांजा तस्कर, नशीली दवाओं की तस्कर एवं पशु तस्करों की पतासाजी हेतु साइबर सेल को सम्मिलित कर विशेष अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लैलूंगा रायगढ़ की ओर से कुछ लोग एक कार में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी करते हुए कोतबा की ओर आ रहे हैं। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह को अवगत कराया गया एवं उनके निर्देशन में तत्काल SDOP पत्थलगांव ध्रुवेश कुमार जायसवाल एवं प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप चंद्राकर के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। टीम द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम पीठा आमा चौक के पास नाकाबंदी कर आने जाने वाली वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक संदिग्ध कार के चालक एवं उसमें सवार कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर अंधेरे एवं पानी गिरने का मौका देखकर भाग रहे थे। पुलिस द्वारा उनके भागने पर तत्काल पीछा करते हुए 16 वर्षीय बालक को दौड़ाकर पकड़ा गया एवं पुलिस द्वारा उक्त बालक से गांजा रखने के संबंध में पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की में मादक पदार्थ गांजा 27 किलो जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये बताई गई है, कार सहित जब्त कर अपचारी नाबालिग को अभिरक्षा में रखा गया है। आज कोतवा पुलिस के द्वारा SDOP ध्रुवेश जायसवाल की उनके नेतृत्व में एक टीम बनाकर यहाँ का जो कुख्यात तस्कर है हीराधर यादव, उसकी टीम के एक सदस्य को जो औपचारी बालक है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बाकी तीन लोग फरार हैं, जिसमें जो कुख्यात तस्कर हीराधर यादव भी है और उसके बारे में काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी। कल सूचना मिली तो पुलिस ने घेराबंदी किया और काफ़ी दूर तक SDOP की टीम के द्वारा दौड़ाभागी की गई, जिसमें से एक व्यक्ति को लोगों ने दौड़ा के पकड़ भी लिया और उसके खिलाफ उसके पास से 27 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपये है और इनके खिलाफ में ADPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। और जो हीराधर यादव है जो कि किंग पिन है, उसके बारे में भी सूचना मिली, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार करेंगे और इस तरह के अवैध गतिविधियों पर रोक लगेंगे।